Good morning, student. This is Dr. Sandeep Srivastava, SJMC Department, IMS Noida. Today I am going to present my video lecture on Supreme Court, the topic of Unit 3rd, Subject Constitution and Indian Political System. Let's begin with what is Supreme Court. Supreme Court सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय. यह न्यायालय भारतीय न्याय व्यवस्था की शिरोमणि है. यह भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय तथा इसके निर्णय अंतिम होते हैं. इसे प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त थे, लेकिन यह भारत का अंतिम न्यायालय नहीं था. इसके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के पास की जा सकती थी. अब हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की रचना, कंपेरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. भारतीय संविधान की धारा 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है. देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे. 1957 में संसद में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई. सन 1960 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी. परंतु दिसंबर 1977 में संसद ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई. अप्रैल 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 17 से 25 कर दी गई. अतः वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश हैं. काम की अधिकता होने पर राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीशों एडॉक जजेस की भी नियुक्ति कर सकता है. तदर्थ न्यायाधीशों एडॉक जजेस को भी वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो अन्य न्यायाधीशों को. आवश्यकता पड़ने पर किसी सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश को काम करने के लिए भी कहा जा सकता है. अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु ऐसा करते समय राष्ट्रपति केवल स्वेच्छा से काम नहीं लेता. मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है. उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेनी आवश्यक होती है. तदर्थ न्यायाधीशों एडॉक जजेस की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है. न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्षता के आधार पर की जाती है. निष्पक्षता बनी रहे उसके लिए न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है, ताकि जब कभी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो जो भी वरिष्ठ या वरिष्ठतम न्यायाधीश हो उसकी नियुक्ति की जा सके. अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की योग्यताएं. भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्न योग्यताएं निश्चित की गई हैं. सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो. दूसरा वह किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो. तीसरा वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रह चुका हो, अथवा वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई प्रसिद्ध विधिवेत्ता डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो. अब हम बात करेंगे न्यायाधीशों की अवधि, टर्म, टेन्योर ऑफ जजेस. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं. 65 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें पद से अवकाश दिया जाता है. संसद न्यायाधीशों की आवश्यक अवकाश प्राप्ति की आयु बढ़ा भी सकता है. रिटायर होने के पश्चात उन्हें पेंशन भी दी जाती है. इससे पहले भी वह स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं. राष्ट्रपति उन्हें अपनी स्वेच्छा से नहीं हटा सकता. रिमूवल ऑफ जजेस, न्यायाधीशों को हटाया जाना. अयोग्यता और दुराचार, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर उन्हें पदच्युत किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के जज को भी तभी हटाया जा सकता है जब संसद एक प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा समस्त संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 मेजोरिटी से पास कर उसी सेशन में उस न्यायाधीश पर सिद्ध दुराचार अथवा असमर्थता का आरोप लगाकर राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर दे. अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों को हटाने का इतना कठिन तरीका इसलिए अपनाया गया है ताकि न्यायाधीश निष्पक्षता से और निडर होकर कार्य कर सके. अब हम बात करेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन तथा भत्ते. मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1,00,000 रुपये मासिक है और अन्य न्यायाधीशों को वेतन 80,000 रुपये मासिक है. इसके अतिरिक्त हर एक न्यायाधीश को रहने के लिए
सरकारी आवास और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है, जबकि उसको किसी सरकारी कार्य के लिए यात्रा करनी। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते भारत के संचित निधि में से दिए जाते हैं, जिनको संसद मत लिए बिना पास कर देती है। केवल वित्तीय संकट की घोषणा करने से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जजों के वेतन को कम कर सके। मार्च 1976 में संसद में एक कानून पास किया था, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी। अब हम बात करेंगे सेवानिवृत्त होने पर वकालत प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति होने के पश्चात किसी न्यायालय में वकालत करने की मनाही की गई। इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार उनको कोई विशेष कार्य भी नहीं सौंप सकती। उनको किसी आयोग, कमीशन का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अप्रैल 1970 में जनता सरकार ने आपातकाल की ज्यादतियों तथा अत्याचारों की जांच करने के लिए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह को नियुक्त किया था। इसके अलावा न्यायाधीशों को सरकार अन्य पदों पर नियुक्त किया गया था तथा श्री एमसी छागला को अमेरिका में भारत का राजदूत भी नियुक्त किया गया था। अब हम बात करेंगे सेपरेट एस्टैब्लिशमेंट, पृथक स्थापना व्यवस्था। संविधान की धारा 146 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अलग व्यवस्था है। उसके अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके सेवा व्यवस्था से संबंधित नियम तथा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निश्चित करता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासकीय खर्च देश की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं। इस कारण से सर्वोच्च न्यायालय संसद अथवा किसी अन्य संस्था के नियंत्रण से मुक्त है और उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित है। पद की शपथ, ओथ ऑफ ऑफिस। प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने के समय राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी अन्य अधिकारी के सामने एक शपथ लेता है। अब बात करेंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य स्थान नहीं दिल्ली में है, वहाँ इसका तराजू शक्ल का बना हुआ सुंदर भवन है, परंतु मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से इसकी बैठकें अन्य स्थान पर भी कर सकता है। अब बात आएगी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार एवं शक्तियाँ, जुडिशियल एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे ऊंचा और अंतिम न्यायालय है। इसका क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ बड़ी व्यापक हैं तथा संसार के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से कम नहीं है। इसका जो क्षेत्राधिकार है उसमें तीन तरीके के केसेस सुप्रीम कोर्ट देखता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, दूसरा सिविल, दीवानी, तीसरा फौजदारी। संवैधानिक में संविधान की धारा 132 के अंतर्गत यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उलझा हुआ है, तो उस मुकदमे में उच्च न्यायालय के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं में भी ऐसी अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि मुकदमा इस प्रकार का है, अनुच्छेद 136, और राज्य का उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे। इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक तथा अंतिम व्याख्याकर्ता बन जाता है। दूसरा दीवानी, सिविल। मूल अधिकार के अंतर्गत, मूल संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय के केवल ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिसमें झगड़े की राशि कम से कम 20,000 रुपये तथा या इस मूल्य की या इससे अधिक मूल्य की संपत्ति हो, परंतु संविधान के तीसरे संशोधन द्वारा धनराशि की इस सीमा को हटा दिया गया है और यह निश्चित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मुकदमों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। तीसरा है फौजदारी। फौजदारी मुकदमे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निम्न विषयों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ए, यदि उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की रिहाई के फैसले को बदल दे और उसे मृत्युदंड दे दिया गया हो, अथवा बी, किसी मुकदमे को उच्च न्यायालय ने अपने पास ले लिया हो और उसमें किसी अपराधी को मृत्युदंड दे दिया हो, सी, अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है, तब भी अपील की जा सकती है। संविधान की धारा 136 के अंतर्गत सैनिक न्यायालय को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की विशेष स्वीकृति देने पर सर्वोच्च न्यायालय पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं और यह बात स्वयं सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी दी।